बच्चों, आज हम बैंक के चार मुख्य खातों के बारे में सीखेंगे। सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता। इस खाते में आप अपना पैसा जब चाहे जमा कर सकते हैं और जब चाहे निकाल सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि जमा खाता। यह एक तरह का निवेश होता है जिसमें आप अपने पैसे एक ही बार में एक निर्धारित समय तक रख सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता। इसमें आप महीने की किसी एक तारीख पर एक निर्धारित रकम बैंक में जमा कर सकते हैं। इन तीनों खातों में ज्यादा देर तक पैसे रखने से बैंक आपको ब्याज देगा। चौथा खाता है करंट अकाउंट, चालू खाता। ये खाता व्यापारी अपने व्यापार के लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीदी, इनमें से हमारे लिए कौन सा खाता सही होगा? जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, तब तक आपको मम्मी पापा के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। बैंक खातों के बारे में और जानने के लिए आप किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर पूछताछ कर सकते हैं।